चैनल क्राफ्ट क्रिएटिविटी एक्सप्लोरर। आज मैं थोड़ा कुछ नया ट्राई करने वाली थी। ये आज एक्रेलिक पेंटिंग मैंने ट्राई किया है फीवर कैसल्स के एक्रेलिक कलर के साथ। आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी है। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। तो आप देरी ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ A4 पेजेस 200 GSM ब्रश, डॉट मंडलिंग टूल, स्केच मार्कर, फीवर कैसल एक्रेलिक कलर्स एंड वार्निश एंड सम वाटर। यहाँ पे मैं इस पिक्चर का एक रफ स्केच बनवा रहा हूँ। अगर आप रफ स्केच नहीं बनवा पा रहे हैं तो आप कुछ भी ना करिए। अगर आप इसके प्रिंट आउट कर सकते हैं, मैं इसकी PDF लिंक पे दे दूंगी। अब वहाँ से लेकर इसे आप वाइट कार्बन पेपर के ज़रिए ट्रेस भी कर सकते हैं और ट्रेसिंग पेपर के ज़रिए भी इसे ट्रेस कर सकते हैं। तो आपके लिए आसानी हो जाएगा ये ड्राइंग करना। आई थिंक इट इज़ अ ईजी वे, मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया है, पेंसिल, रबर, कलर और पेपर, मैं सबकी लिंक की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी। आप अगर चाहते हैं तो वहाँ पे जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो कलर्स यूज़ कर रही हूँ वो है फीवर कैसल 24 एक्रेलिक कलर। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। यहाँ पर मैं माँ लक्ष्मी की जो वेयर है, मतलब साड़ी है, उसको कलर कर रही हूँ। उसकी कलर कॉम्बिनेशन है पेल, जर्मेनियम लेक एंड वाइट मिक्सचर। वो आपको स्क्रीन में पर दिखा दिया जाएगा। माँ लक्ष्मी के पीछे जो चक्र है उसकी जो बॉर्डर है, बॉर्डर के लिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पे एमराल्ड ग्रीन एंड वाइट मिक्सचर। एंड भीतर का जो चक्र है वो हम ऑल टाइम गोल्डन कलर या येलो कलर में ही दिखते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कैडमियम येलो एंड वाइट मिक्सचर। माता लक्ष्मी की जो ब्लाउज़ है उसके लिए मैं यहाँ कलर चूज़ किया है पिथैलो ग्रीन एंड वाइट मिक्सचर। यहाँ पे मैं माता लक्ष्मी की जो लोटस हैं उसके हैंड पर है, उस लोटस के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मीडियम फ्लैश। यहाँ पर मैं माता लक्ष्मी की जो स्किन कलर है, मैं स्किन कलर के लिए 3 कलर मिक्सचर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, लाइट कैडमियम येलो, पेल जर्मेनियम लेक एंड वाइट मिक्सचर। मतलब आपके पास अगर हो, मतलब रेड, थोड़ा बिट ऑफ रेड येलो मीन्स लेमन येलो एंड वाइट मिक्सचर भी आप यूज़ करके स्किन कलर बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा डार्क टाइप का स्किन कलर चाहिए तो उसमें थोड़ा ब्लैक कलर भी मिक्स कर सकते हैं, तो थोड़ा डार्क टाइप का स्किन कलर आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर मैं माता लक्ष्मी की ज्वेलरी के लिए यूज़ कर रही हूँ डार्क क्रोम येलो। यहाँ पे मैं माता लक्ष्मी की जो ज्वेलरी है इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क क्रोम येलो। ये थोड़ा डार्क टाइप्स का येलो कलर है जो और अच्छा गोल्डन टाइप्स कलर का शेड देगा। आपके पास अगर डार्क क्रोम येलो नहीं है तो आप गोल्डन कलर भी कर सकते हैं, क्योंकि ज्वेलरी की कलर गोल्डन होती है। यहाँ पर मैं माता लक्ष्मी जिस लोटस के ऊपर बैठी हुई है उसके लिए मैंने कलर चूज़ किया है कैरमीन पामरेंट एंड वाइट मिक्सचर। कैरमीन परमानेंट एंड वाइट मिक्सचर, ये कलर बहुत ही सुंदर है। मतलब पूरे डीप लोटस का जो कलर आती है वो पूरी की पूरी उभर कर आ रही है और बहुत ब्राइट एंड वाइब्रेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोल रखती हूँ कि फीवर कैसल का कलर मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। इसकी कलर क्वालिटी बहुत अच्छी है, ब्राइट है, वाइब्रेंट है। और एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, ये ट्यूब में आती है। Thank you.
और जो घट है उसके लिए मैंने चूज़ किया है लाइट कैडमियम येलो एंड डार्क कैडमियम येलो मिक्सचर। यहाँ पर माता लक्ष्मी की जो गजरा है, गजरे के लिए मैंने चूज़ किया है मिडिल पर्पल पिंक एंड वाइट मिक्सचर। माता लक्ष्मी के नीचे जो कलश रखी हुई है, जो घट रखी हुई है, उसके ऊपर जो नारियल और जो पत्ते हैं, मतलब लीव्स हैं, उस लीव्स के कलर के लिए मैंने चूज़ किया है यहाँ से एमरल्ड ग्रीन कलर एंड एमरल्ड ग्रीन एंड परमानेंट ग्रीन ऑलिव कलर मिक्सचर। यहाँ पर मैं माता की हेयर को कलर करने के लिए ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने माता लक्ष्मी की लिप के कलर के लिए मैंने चूज़ किया है इंडियन रेड कलर एंड माता लक्ष्मी की जो आँख और आईब्रोज है उसके लिए मैंने चूज़ किया है डार्क वैन डाइक ब्राउन कलर। वैन डाइक ब्राउन कलर, ये ब्लैक भी नहीं है और पूरा ब्राउन भी नहीं है, ये ब्लैक और ब्राउन के कॉम्बिनेशन है। डालने के लिए मैं डेकोरेटिंग और जो डॉटिंग टूल्स आती हैं उसकी मदद से मैं वाइट डॉट दे रही हूँ और मैं डॉटिंग टूल्स की ही मदद से माता लक्ष्मी की जो नोज पिन आती है वो भी मैंने बनाए हैं, वो पिंक कलर मैंने यहाँ पर यूज़ किया था। यहाँ पे मैं पिक्चर को बहुत दिन तक सुरक्षित रखने के लिए मैं वार्निश यूज़ कर रही हूँ। माता लक्ष्मी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। के लिए सिर्फ इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।